अयोध्या में ढांचा विध्वंस के 28 साल पुराने मामले में बुधवार को फैसला आने पर गोरखनाथ मंदिर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही मंदिर परिसर में संवेदनशील स्थानों व्यक्तियों की सघनता पूर्वक चेकिंग की गई। आपको बता दें, बुधवार को अयोध्या में ढांचा विध्वंस के 28 साल पुराने मामले में CBI कोर्ट लखनऊ द्वारा फैसला आने के पूर्व गोरखनाथ मंदिर परिसर में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव और CO गोरखनाथ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड टीम के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान मंदिर परिसर में घूम रहे व्यक्तियों से उनके बारे में जानकारी लेते हुए उनके पास रखे गए सामानों की सघनता पूर्वक चेकिंग की गई। साथ ही दुकानदारों को संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने के बारे में बताया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, पीछे कौन लेता है, कुछ पीछे लेना, उसको उठाओ, कौन लेता है वहाँ पे। कूड़ेदान वगैरह है उधर, देख लीजिएगा भाई, काम कर रहा है जो लाइन के काम चल रहा है। बाहर का आदमी पढ़ने ना किसी का, बाहर का सामान को छुटा हो, किसी का बैग हो, टिफिन करियर हो, रेडियो हो, कुछ भी सामान हो। क्या करना है, यहाँ पर रहते हो, क्या होता सुनना हो, पता तो लगने पता कि आज अयोध्या मामले में सजा का ऐलान, तो इसी के लिए विस्तृत ड्यूटी लगी है सभी थाना क्षेत्रों में और यहाँ भी ड्यूटी लगी है, तो उसी के लिए इस एरिया का पूरा संपूर्ण चेकिंग की गई है और लोगों को सैनिटाइज किया गया है कि वो किसी भी तरह से निर्णय प्रभावित ना हो और अपने घरों में रहें और कोरोना काल के समय जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करें, और इसी के लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध लगाए गए हैं और इसी के क्रम में आज निरीक्षण किया गया। नहीं, अभी तक यहाँ कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिले हैं, ड्रोन कैमरे के माध्यम से चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा पुलिस के अलग टीमें लगी हैं और पूरा अभी प्रक्रिया चल रही है और अभी तक सब कुछ सही रहा है।